इंडियन इंटेलिजेंस का जो रॉ का नाम है उसका मतलब है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च करते हैं और एनालिसिस करते हैं और फिर आपको ठोक देते हैं। हाकिम जी, तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। इस तस्वीर में आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में ये जो व्यक्ति है इसी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हाकम दीन, 45 साल का ये व्यक्ति है और पुलिस का कहना है कि ही इज अ रेसिडेंट ऑफ रजौरी। एंड इसके अंदर से इन्फॉर्मेशन काफी मिलेगी। देखिए, कोई भी जब जिंदा पकड़ा जाता है ना तो इन्फॉर्मेशन काफी हद तक मिलती है। इन तस्वीरों में ये भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में खड़ा हाकिम दीन लंगड़ा कर चल रहा है, यानी कि पकड़े जाने के बाद उसकी ठीक ठाक दवाई भी हुई है। कि ये वही हैं जो जिन्होंने हमला किया था मकबूजा कश्मीर में, और खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो सा वो लॉन्च कर दी। रियासी में जहां पर से बस गुजर रही थी जहां पर ये अटैक हुआ था वहां तक पहुंचाने में इस पर्सन ने मदद की है। उनका एनालिसिस ये है कि हिंदुस्तानी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो रियासी का जो हमला 9 जून को हुआ उसको बहुत सीरियसली लेती है। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपने जगह में अपने घर में रखा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनसे हैं वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। एक और जो सक्सेस हुआ, मेजर ब्रेक थ्रू जो रायसी अटैक के अंदर था, एक बंदे को उठाया जिसका नाम है हकीमुद्दीन। हकीमुद्दीन ने 6,000 रुपए के लिए और कुछ खाने वाने के लिए या किसी चीजों के लिए टेररिस्ट को पनाह दी, वहां पर अपने जगह में अपने घर में रखा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनको वहां पर रखा, देखभाल करी, ये सब करा। यहां तक कि इसने जो रईसी अटैक जहां पर हुआ है इसने वहां तक इनको लेके जाने में भी हेल्प करी, रास्ता वास्ता इन्होंने इसने ही दिखाया। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि एक बंदे को उठाया है हु इज बेसिकली एन OGW, जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया था और मेरे मॉर्निंग अपडेट्स में मैंने आपको बताया था कि OGWs के ऊपर काफी क्रैकडाउन होगा, क्योंकि देखिए ये टेररिस्ट जो होते हैं जो बाहर से आते हैं दे के नॉट ऑपरेट इन कश्मीर विद अ फ्री हैंड विदाउट लोकल सपोर्ट, और जो भी लोकल सपोर्ट है वो होती है ये ऐसे चुटमुट लोगों के साथ और कम पैसों के साथ। आप देखिए 6,000 रुपए के लिए ये कर रहा है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया इसने। पता है इसको पकड़ा जाएगा तो बहुत थुकम ठुकाई होगी, मिर्ची ट्रीटमेंट होगा, पता नहीं क्या क्या होगा इसके साथ, बट स्टिल दे डू दिस। अब देखिए ये आप एलिनेशन की बात करें, आप ये बात करें, वो बात करें, वॉट एवर द केसेस, यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि OGWs का जो नेटवर्क है उसके ऊपर एक्शन बहुत जरूरी है एंड दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ब्रोकन अपार्ट। इसी तरह का एक्शन आपने लिया था कश्मीर के अंदर 2019 के अंदर जब आपने OGW नेटवर्क के ऊपर काफी हद तक क्रैकडाउन शुरू किया था। And when you crack down on this network, what happens is कि ये इनका support structure खत्म हो जाता है, तो ये जो terrorists आते हैं, they come, they do random attacks and they basically get killed and stuff like that. They are not able to sustain for a long time. यही operation आज जम्मू में भी launch हो रहे हैं and यहाँ पर भी मेरे हिसाब से 50 से 70 लोगों already arrest हो चुके हैं। Rule बड़ा simple है, bulldozer बाबा plus आपकी पूरी जायदाद और ये सब गई, आपकी family भी फंसती है उसके अंदर, उसके बाद आपके ऊपर terror cases। मतलब आपको कभी दोबारा जो बोलते हैं ना आजादी की जो धूप कभी दिखेगी नहीं दोबारा। इंडिया का ये कहना है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, लेकिन 76 सालों में इंडिया ने कश्मीर में क्या डेवलपमेंट्स की और पाकिस्तान ने अपने साइड कश्मीर में क्या डेवलपमेंट की, ये तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया में जब से नई गवर्नमेंट आई है, तीसरी बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, तो वो कश्मीर को लेकर, खासतौर पर पाकिस्तान साइड एरिया को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, और खबरों के मुताबिक उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी भी लॉन्च की है जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म कश्मीर में उन्होंने जो सा वो लॉन्च कर दी है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो उनसे हैं वो इस चीज को लेके, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान वाले इस एरिया को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रहे हैं। पब्लिक से पूछेंगे कि कभी हम ये सुनते थे कि हम तो उनसे कश्मीर लेंगे, लेकिन आज खबर ये आ रही है, सुनने को ये मिल रहा है कि वो लोग पाकिस्तान साइड कश्मीर को देख रहे हैं और इसके ऊपर काफी सीरियस है। अब खबर ये आ रही है कि उनका कश्मीर तो एक साइड पे उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने ये बकायदा तौर पे इस चीज को सीरियस ले रहे हैं कि कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म और पाकिस्तान साइड कश्मीर को वो अपने साइड पे और वो कंट्रोल करने और कवर करने के चक्कर में। देखिए सर, बात मुख्तसर सी ये है कि जो हमारी नौजवान जनरेशन है ना, ठीक है, इसने अपने किसी मुल्क के काम में हिस्सा नहीं लिया, ना इसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, ना इसने बिजनेस में हिस्सा लिया, ना इसने तालीम में हिस्सा लिया। हम लोगों ने
पॉलिटिक्स को बुरा कहकर इसमें खुद को ज्वाइन ही नहीं किया, ठीक है, ना हमारी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, ठीक है, ना हमने कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की की है, ठीक है, जिसकी बेस पर हम ये कह सके कि हम फलां इलाके को कैप्चर करेंगे, वहां पे टीचर जो है वो रखेंगे, वहां पे यूनिवर्सिटीज बनाएंगे या कुछ चीज करेंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, दो मिनट की भी नहीं बात हुई होगी, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको देख के बड़ा मजा आएगा, बल्कि मुझे बात करके इनसे बड़ा मजा आएगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं हमेशा रोना रोता हूँ कि भाई एजुकेशन पे वर्क करो, मैं कहता हूँ हमने कुछ करना है पाकिस्तान के लिए, वो हम करते नहीं, हमेशा गवर्नमेंट पे ब्लेम करते हैं। कश्मीर की अगर बात है तो हमारी साइड कश्मीर पे हमने क्या किया, कौन सी एजुकेशन, कौन सी यूनिवर्सिटी, किस लेवल का हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वो लोग कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब एक और दावा सामने आया है और वो दावा बड़ा खतरनाक है, कम से कम मैं तो इसको बहुत खतरनाक समझता हूँ। दावा है भारत की तरफ से, वो कहते हैं कि रिटायर्ड पाकिस्तान ब्रिगेडियर बिहाइंड 2018 जम्मू एंड कश्मीर अटैक किल्ड। इनका दावा है कि जो हमारे 1122 के रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब अमीर हमजा साहब एक कातलाना हमले में जान से गए हैं, वो असल में मास्टरमाइंड थे या उस अटैक के पीछे थे जो 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, और इनका दावा है कि वो आईएसआई के लिए काम करते थे। और ये अपनी खबर में ये दावा करते हैं कि उनको नामालूम अफराद ने मार दिया। ये खबर बड़ी अजीब है क्योंकि जो पाकिस्तानी अखबारात हैं उन्होंने भी, ट्रिब्यून वगैरह ने भी लिखा है कि जब उनकी गाड़ी को मोटरसाइकिल सवारों ने घेरा और गोलियाँ चलाईं, उसके बाद मोटरसाइकिल सवारों ने ये मेक श्योर किया, इस बात का यकीन किया कि वो मर चुके हैं, तब वो वहाँ से गए। यानी जब तक उन्हें यकीन नहीं हो गया था कि वो मर गए हैं, वो वहाँ से गए नहीं। जिससे कम से कम मैं अगर सोचूं, और कोई भी दिमाग रखने वाला बंदा जिसका थोड़ा सा भी दिमाग चलता है सोचे, तो वो यही कहेगा कि ये एक टारगेटेड किलिंग थी। एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को टारगेट किल करके क्यों मारा जाएगा? तो फिर ख्याल जाता है कि पिछले 2-2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्वस है। हमने ये नहीं देखना कि हमारी तरफ से कोई मुलव्वस है या नहीं, हमने ये देखना है कि भारत को ये लगता है कि मुलव्वस है और भारत मार रहा है। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। हो सकता है हमारी तरफ से कोई बंदा भी मुलव्वस ना हो, हो सकता है कि हमें पता हो कि इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, हो सकता है कहा जाए कि इनका ऐसा ऐसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत को ये लगता है कि ताल्लुक है और भारत मरवा रहा है, तो ये हमारे लिए बड़ी परेशान कन सूरत हाल है और हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं है। पहले ऐसा कुछ होता था, मैं बार बार इसीलिए दोहराता हूँ, 2.5 सालों में भारत खुद ये दावा कर चुका है कि हम हर उस मतलूब शख्स को मार रहे हैं जो किसी ना किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर है या भारत के अंदर किसी भी किस्म की, जिसे भारत दहशतगर्दी कहता है, उसमें मुलव्वस है।